भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये एंड का ट्विस्ट जो है वो इतना अच्छा आएगा, ट्विस्ट रिवील मत करो और लोगों ने फिल्म देखनी है। वकील साहब, मौलाना या खुदा, तुम्हारा मसला पता है क्या? अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है। मैंने नहीं देखा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ फैसल से, और वो भी फौरन। इसके लिए फिर तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज आप मूवी देखने आए हैं, तो आपने ट्रेलर तो देखा होगा, तो कैसा ट्रेलर लगा आपको? नहीं, ट्रेलर बहुत अच्छा है, फिल्म की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया फिर, और मैं भी यहाँ एंजॉय करने के लिए आया हूँ, और कास्ट के साथ मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, और डेफिनेटली मैं एंजॉय भी करूँगा और फिल्म को सपोर्ट भी करूँगा यहाँ पे। जी तो कैसी लगी मूवी? अब तक तो काफ़ी अच्छी थी, इंटरवल तक देखी है और काफ़ी फनी थी और कॉमेडी काफ़ी अच्छी थी। कौन सा फनी पार्ट लगा सबसे ज़्यादा? वो एडवोकेट वाला मज़ा। एडवोकेट वाला। और डबल रोल कैसा लगा? डबल रोल तो बहुत ही आला हो गया, क्योंकि लास्ट पे अमना इलियास की एक्टिंग के बारे में क्या? नहीं माशाल्लाह, क्योंकि नया टैलेंट आ रहा है आगे, इसमें हमें बड़ी खुशी है। कॉमेडी मूवी मज़ा आया? कॉमेडी मूवी इस तरह की बनाते रहे तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक जा सके। ओके। वकील का था जिसने सबसे ज़्यादा इंजॉय करवाया। ठीक है। और द सेकंड वन द मौलवी। अच्छा मौलवी, गुड वन, थ्री टोटल ऑसम। और बल्कि सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अब हम जो है, बाय द वे मैं ही फैसल हूँ। अच्छा, तो फैसल तो बस ये फैसल फैसल बताओ जी। वकील साहब, आज आपने दूसरे वकील को साथ आके पागल कर दिया है, तो इतनी सीरियस एक्टिंग कैसे कर लेते हैं कि मुंह भी सीरियस होता साहब भी लेते हैं? सर ये राइटर का कमाल है, राइटर का जो कि डायरेक्टर भी है, क्योंकि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये थी कि भाई कॉमेडी करनी कहीं नहीं है, कॉमेडी क्रिएट होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल वो पर्पज सर्व हो गया। सर बहुत खुशी और बहुत तसल्ली हुई है, और मैं सॉरी आपके साथ थोड़ी ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने मुझे ऑफ एयर कहा था कि सारे दिन की थकावट आपकी खत्म हो गई है फिल्म देख के, थकावट उतर गई, मैं इतना हंसा हूं। ये इसको मैं अपनी सक्सेस समझता हूँ, इस पर मुझे बहुत खुशी हो रही है और तसल्ली हो रही है अपने आप से। जो हम बाद में कैके लगा रहे थे, हमारा आपके साथ फर्स्ट प्रीमियर था, बहुत अच्छा लगा, तो अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और आपकी जो पहली जोड़ी थी इतनी हिट गई है, तो आपके क्या थॉट्स हैं? हिट हो गई और जोड़ी हमारी नज़र में हिट क्या है? थैंक यू, थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोगों की हंसी सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मैंने ये पहली दफ़ा आज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। फैसल के साथ पहली फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग में, हंसी मजाक जो कि इतना ज्यादा, देख भाई मूवी में मजाक है तो एंड पे क्या? देखो भाई फिल्म शूट हो गई, प्रमोशन हो गई, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। जी बिल्कुल सही कह रही है, कभी झूठ नहीं बोलती, देखा जैसे कि अपने फिल्म में इन्होंने अपने वाले से भी झूठ नहीं बोला और भाग गए। नहीं जी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा, हमारे इस पूरे सेट पे पूरी कास्ट का आपस में एक फैमिली की तरह का एक्सपीरियंस था। जी जी, एंड में एंड का जो ट्विस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए, क्योंकि अगर वो ट्विस्ट ना हो तो एक आम सी फिल्म है। आप सारी फिल्म का एक बिल्डअप एक चीज़ की तरफ जा रहा है कि जो कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स है, बहुत कम फिल्में एंड पे क्लाइमैक्स करती हैं, हमारी फिल्म वहाँ पे क्लाइमैक्स करती है जहाँ पे आप सोचते हैं हमें बहुत ही अब मज़ा आ रहा है और अब ये फिल्म आगे चले, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको ख़त्म होना पड़ता है। आप आइए देखिए वो क्या ट्विस्ट है, इन्होंने वो रिवील ना ये कर दें, आप पे बहुत ट्विस्ट है, किसी को नहीं बताया, सब आके देखें, एंड पे बहुत ट्विस्ट है। मैं जो ट्विस्ट देखा है वो मैं चाहता हूँ कि सब आए, हर सिनेमा में हल्ला गुल्ले सीटियाँ सब बच जाए, चुगल लग जाए। सो एंड पे ऑडियंस के लिए एक मैसेज जो आपके लिए इतना प्यार दे रहे हैं, इतने आपकी मूवी पे हंस रहे हैं। मुनीर से कुछ छुपा नहीं मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू फॉर सो मच लव, हमारी फिल्म बहुत अच्छा काम बिजनेस कर रही है, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल। मैं इनकी तारीफें करना चाह रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन शो ने स्टार्ट से एंड तक, और मेरा ख्याल है कि अभी हमारी अगली 5-6 फिल्मों के एंड तक भी हमारे साथ ही होंगे। सरप्राइज देम। पब्लिक रिएक्शन शो ने जो हमारी, यार मैं स्क्रिप्ट भूल गई, क्या थी आपने जो मुझे बताया था, जो मैसेज किया था आपने, बिल्कुल जी क्या था उसमें, वेरी वेरी अमेजिंग, ब्रिलियंट, सुपर, व्हाट एन एक्सपीरियंस, और भी चीजें थी जो हम भूल गए, वो इतनी चीजें थी जी, वो 5 पेज की बुक है। नो बट थैंक यू पब्लिक रिव्यू, आई थिंक यू गाइस हैव बीन वेरी सपोर्टिव, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, थैंक यू सो मच, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने हमारी फिल्म को इतना सपोर्ट किया, और आइंदा भी करते रहिए, मेरी हर आने वाली फिल्म को सपोर्ट, मेरी भी। जी तो हमने मूवी देखी है, बहुत मज़ा आया, कास्ट का इंटरव्यू किया है, ऑडियंस का इंटरव्यू किया है, सब ने बहुत इंजॉय किया, हमारी पूरी टीम ने बहुत इंजॉय किया है, और डायरेक्टर भी बहुत खुश है, जो
उसकी कास्ट है वो भी काफ़ी खुश है क्योंकि आवाम जो है उनको बड़ा फनी रिएक्शन दे रहे हैं और इस तरह की मूवीज़ और देखना चाहते हैं। आप भी हैं मूवी देखें और इसी तरह जो पाकिस्तानी सिनेमा है उसको सपोर्ट करें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आ सकें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह पाकिस्तानी सिनेमा लंगड़ा है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, अजीब कोई आदमी है।